नमस्कार नमस्कार सर। माननीय मंत्री जी रघु शर्मा जी ने मेडिकल हेल्थ को लेकर के सारा ब्रीफ किया है, लेकिन एक राजमंत्री होने के नाते दो चार चीजें मैं अपनी तरफ से शेयर करना चाहूंगा। और सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम जो लगी हुई है राजस्थान में हम सब मिलकर के, कि जिस तरह से मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी जो एडॉप्ट की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा आपके नेतृत्व में, जिसमें न केवल कोरोना के उचित प्रबंध नियंत्रण के लिए कार्य किया गया, बल्क पानी बिजली रोजगार राशन का वितरण, कृषि के क्षेत्र में किसानों को राहत, चाहे वो टिड्डी दल का नियंत्रण हो, चाहे वो ओलावृष्टि में वित्तीय सहायता देने का मामला हो, और ये मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी को एडॉप्ट करते हुए एक जो न्यू मॉडल ऑफ गवर्नेंस आपने दिया है उसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। मैं बहुत ज्यादा ना कहता हूं, दो तीन चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा सर। अभी जहां तक चिकित्सा सुविधाओं का सवाल है, पूरी हाईलाइट कर दिया गया है और पूरा हमारा विभाग मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, और एक अमिट छाप छोड़िए पूरे राजस्थान ने देश और दुनिया में, और मैं समझता हूं एक कॉमर्स का विद्यार्थी होने के नाते ये मैं कह सकता हूं कि जब भी इस कोरोना का इतिहास लिखा जाएगा तो राजस्थान मॉडल का जिक्र उसमें जरूर होगा, जिस तरह से मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी ली गई है। केवल दो तीन चीजें जो ग्रास रूट लेवल का जो फीडबैक है उसको मैं शेयर करना चाहूंगा सर। इस वक्त सारी चीजें आप देख रहे हैं, चिकित्सा सुविधाओं को भी देख रहे हैं, सारा पानी के लिए आपने लगभग जो है कंटिजेंसी प्लान के रूप में 75 करोड़ रुपए जो है दिया है, जिसमें हर जिले को करीब करीब हर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को 37 से 40 लाख रुपए कंटिजेंसी प्लान में मिलेगा। 500 करोड़ रुपए आपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एमएलए लेड फंड है उसको कंट्रीब्यूट किया है, जिसकी वजह से हम सभी इसको डेवलप कर पाएंगे। अभी जो सबसे ज्यादा पानी की जो प्रॉब्लम आने वाली है सर, जो क्षेत्र में मैं देख पाया हूं, उसमें जरूर एक कोशिश अभी हुई है पिछले 10-15 दिन से जब आपने इनिशिएट लिया है। मेरा ये मानना है कि जो संबंधित फील्ड में जेईएनएस काम कर रहे हैं, जिस तरह से मेडिकल एंड चिकित्सा बोर्ड में डैशबोर्ड बनाया गया है, उसी तरह से पीएचईडी डिपार्टमेंट में भी एक डैशबोर्ड बनना चाहिए। कितने हैंड पंपों का निरीक्षण किया गया गांव में, प्रत्येक गांव में पंचायत वाइज या पंचायत समिति वाइज कितने हैंड पंप रोजाना ठीक किए गए, जिससे कि ये धरातल की रिपोर्ट आप तक और हम सब तक पहुंच सके। जितना पैसा खर्च किया जा रहा है उसका सही लाभ हमारे गांव में रहने वाले लोग या बस्तियों में रहने वाले लोगों को मिल सके। इसी संबंध में एक सुझाव बस देना चाहूंगा कि जो आपने एमएलए लेड फंड कंट्रीब्यूट कर दिया है, और आपको मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा, आपने उसमें लिखा भी है कि विधायक की अनुशंसा पर सारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। मेरा एक अनुरोध है कि उसमें जो मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में जो भी चीजें क्रैक की जा रही हैं, उस कमेटी में विधायक का भी इन्वॉल्वमेंट हो, जिससे कि जिस तरह से अखबारों में देखने को मिल रहा है उस पर हम कंट्रोल पा सकें। और तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना वित्तीय समस्या होने के बावजूद भी आपने रोजगार की समस्या को प्रमुखता से लिया, न केवल नरेगा के माध्यम से बल्कि रोजगार की जो भर्तियां की, करीब करीब 20 से 25 हजार भर्ती इन्हीं 10-15 दिन में हुई है। और युवा काफी अपने आप को ये आपको धन्यवाद भी देता है कि इतना संकट होने के बावजूद भी आपने हर फ्रंट पर, राजस्थान इकोनॉमी के हर फ्रंट पर, हम लोग सब आपके नेतृत्व में, हमारे अधिकारी चिकित्सा विभाग सभी मेडिकल पुलिस और एडमिशन काम कर रहा है। मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सब आपके नेतृत्व में कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान की इकोनॉमी जल्दी से कैसे वापस पटरी पर आए और इन समस्याओं का, पानी बिजली और इनको भी, और अच्छी तरह जिस तरह से पूरा प्रबंधन किया कोरोना का, उसको हम समाधान कर सके। एक बात और कहना चाहूंगा, केवल वो जो भरतपुर क्षेत्र की है, चंबल परियोजना को लेकर के बार बार मैं कह रहा हूं कि जो योजना 15 में पूरी हो जानी चाहिए थी, मैं आपके माध्यम से पीएचईडी मंत्री जी को जरूर कहना चाहूंगा कि इस परियोजना को जो आप ही का एक उपहार दिया गया था पूरे पूर्वी संभाग को, भरतपुर को, उस पर अभी गति बहुत धीमी है। केवल 100 गांव में से केवल 4 गांव में पानी पहुंच पाया है सर। थैंक यू सर।